मैं एक रिक्वेस्ट करना जी, प्लीज अपने बच्चे नूं इदां दे सिस्टम च ना भेजो जी, जेंटल दी गल्लां च ना आओ जी। ते खासकर लीबिया नाम दी कंट्री च जी अपने बच्चे नूं बिल्कुल ना भेजो जी। चार चार पंज दिन सर खाना नहीं मिलना, मार कुट होनी, काम कराना साडे कोलों कंट्री है सर, बंदा गोली मार के दब दे, कोई नहीं पुछदा। सरकार कोई नहीं हैगी जी, ओए सारा माफ माफ किया बस सर, बचाने वाले से सानी साल तक। सर मैं आज से सर मैं आज से 4 महीने पहले सर लीबिया गया था सर। सर एक एजेंट ने मेरे साथ फ्रॉड करके सर मेरे को लीबिया के अंदर बेच दिया था। तो सर वहाँ पे हम 10-12 इंडियन थे, एक इंडियन के पास सर फ़ोन छुपाया था सर। उस फ़ोन से सर मैंने विक्रमजीत सिंह सानी जी को मैसेज करा जी। वो मैसेज करने के बाद जी उनका रिप्लाई आया, और रिप्लाई आने के बाद उन्होंने हमारे साथ बातचीत की जी। गुरदीप जी जो उनके भाई हैं जी, वो हमारे टच में लगातार रहे जी। तो उन्होंने सर बहुत मेहनत करके हमारे को वहाँ से निकाला, और जो सर लीबिया कंट्री है सर ऐसी कंट्री है कि उससे अच्छा सर नरक भी उससे अच्छा होगा सर। जो 48 घंटे सर हमारे को भूखा रखना जी, काम करवाना, मारपीट करनी, तो सर जो कुछ भी, अगर आप आज हम यहाँ जिंदा खड़े हैं तो सर सिर्फ और सिर्फ विक्रमजीत सिंह सानी जी और गुरदीप जी के कारण खड़े हैं। आज जो हमारे 17 युवा ज़्यादातर पंजाब से और हरियाणा से, ये इनको कोई जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ये जो आंसर हैं, जो पंजाब हरियाणा में उत्तरी भारत में बहुत सक्रिय हो रहे हैं, एक एजेंट ने ये 16 बच्चों से 13 लाख रुपया उनके माँ बाप आए हैं डेरा बस्सी से, पानीपत से, करनाल से, पंजाब से, लुधियाना से, 13 लाख रुपया लेके इनको बोला कि इटली में हम आपको नौकरी दिलवाएंगे। इनको दुबई ले गए, फिर इजिप्ट ले गए, फिर लीबिया में, लीबिया जैसे कंट्री में छोड़ दिया। आपको पता हालात लीबिया के कैसे हैं। जब 28 मई को इनके पेरेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया हमारे दफ्तर में, गुरदीप सिंह और निशांत मेरी टीम के, हमने तभी से हम सक्रिय हो गए। हमने बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट किया, उनके इतने दर्दनाक वीडियो देखे, वो माफिया ने उनको उसमें रख रखा था कन्फाइनमेंट में। तो हमने वहाँ पे एक होटल अरेंज किया, गाड़ी अरेंज की, ड्राइवर अरेंज की, इनको बोला भाग के इस होटल में आ जाओ, होटल वाले को पैसे दिए। फिर वो होटल वाले पुलिस कमिश्नर के कोई वहाँ रिश्तेदार थे, उसने वहाँ खबर कर दी, ये बेचारे लीबिया जेल में चले गए। लीबिया में हमारी इंडियन एम्बेसी भी नहीं है, फिर टूनिशियन इंडियन एम्बेसी को बोला, वो भी हेल्पलेस थे। फिर यूनाइटेड नेशन को हमने बोला कि इनको काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए। फिर बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये लोग वो जेल से हमने निकलवा के फिर इनको इमिग्रेशन कैंप में लाया गया। फिर हमने इंडियन एम्बेसी को, जो नियरेस्ट इंडियन एम्बेसी थी, उनको रिक्वेस्ट किया, इनके वाइट पासपोर्ट बनाए, और आज यहाँ ये दिल्ली में सारे लोग आए हैं और आ रहे हैं। और इनके माँ बाप में भी एक खुशी की, या मतलब एक तसल्ली है, क्योंकि पता नहीं था इनको कि ये बचेंगे। हमें भी वीडियो देख के जो इनके हालात थे माफिया के, और ये इनके साथ इतना तशद्दुद हुआ, दुबई, इजिप्ट, लीबिया जैसे मुल्क में रखा गया। मैंने सारे पेरेंट्स को बोला है, अभी यूथ भी हम अंदर लेने जा रहे हैं, सारे लोग लैंड कर गए हैं, कि भाई इनकी पंजाब सरकार ने, मान साहब ने, हमारे DGP यादव साहब ने, और हरियाणा गवर्नमेंट में भी बात हुई है CM ऑफिस में। पंजाब में तो SIT बनी है, मैं हरियाणा में भी खट्टर साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, देसी साहब DGP, मैं उनको बोलूँगा SIT बनाओ। और इनको मैंने बोला है कि कल ही FIR कराओ, जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया, इन 17-16 बच्चों को 13-13 लाख रुपए बेचारों ने ज़मीनें बेची, या जो अपना जेवर रखा, एक देखिए तो मिसेज अभी शादी हुई थी, तो ये घिनौना काम। और साथ ही हमने
जो वेबसाइट पर भी डाला है, जो इलीगल इमिग्रेशन एजेंट पंजाब और हरियाणा में बहुत एक्टिव हो रहे हैं, उनको हर डिप्टी कमिश्नर हर एसएसपी को देना चाहिए कि, और यूथ को, इन परिवारों को भी, अपने नौजवान भाइयों बहनों को भी मैं कहता हूँ कि भी पहले तो अपने देश में ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहीं हमारे जाति तौर पे जगह जगह स्किल सेंटर खोले हैं। सरकार का भी जो भी यहाँ पे आप करो, अगर जाना भी है तो जो लीगल एजेंट है, जो MEA की वेबसाइट में लीगल एजेंट है, उनके थ्रू पूरा वेरिफिकेशन करके ही आप जाओ। नहीं तो ऐसे ये बच्चे, पता नहीं भगवान, पता नहीं ये कैसे बच के आ गए, हमें भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार करता हूँ, और इन पेरेंट्स के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है कि इन्होंने इस दुख में ऐसे बच्चों को भेजा, और उम्मीद ही छोड़ दी थी इन्होंने कि ये बच्चे वापस आएंगे, लेकिन आज बहुत भगवान का शुक्रिया कि ये लोग आए हैं, और कड़ी से कड़ा एक्शन जिन लोगों ने घिनौना काम किया, इनको भेजा, उन पे मैं इनके साथ खड़ा हूँ, और कुछ एक्शन हम आज ही रात को ही ले रहे हैं, और फिर जो भी इन पे कड़ा से कड़ा उनका कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये घिनौना काम, घिनौना अपराध किया है। धन्यवाद।